नमस्कार। मैं फिर आज आप लोगों को बताने आया हूँ कि जब हम ऑनलाइन पीएफएमएस में काम करते हैं, तो इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन आप पीएफएमएस में काम करेंगे किस तरीके से, हम बिल को सबमिट करेंगे और किस तरीके से हम इस बिल को सबमिट करने के पश्चात ऑनलाइन उसमें कैसे उसका प्रिंट निकालेंगे। तो इसको समझने के लिए हम अपने सिस्टम में ले चलते हैं आपको, और सिस्टम में जाने के लिए दो तीन बातें से जाने से पहले दो तीन बातें बताना चाहता हूँ जो इसमें मुख्य रहेंगी। नंबर एक, ये जो बिल का काम करेंगे हम ऑपरेटर आईडी से करेंगे, और बिल को सबमिट करने के पश्चात ऑपरेटर आईडी से तब हम बिल को अप्रूव करेंगे अप्रूवल आईडी से, नंबर एक। नंबर दो, इसमें हमने ये भी सीखेंगे कि हम वेंडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑपरेटर आईडी के अंदर। वेंडर क्रिएट करने के लिए, वेंडर क्रिएट करने के पश्चात हमें क्या आईडी मिलती है और उस आईडी का उपयोग से हम कैसे सर्च करते हैं अपने वेंडर को। तो इन सबको जानने के लिए, इन सबको चीजों को पहचानने के लिए तो ले चलता हूं अपने सिस्टम पर। चलिए, तो आज हम सीखेंगे कैसे हम ऑनलाइन सबमिट करेंगे अपना बिल और कैसे ढूंढेंगे हम अपने वेंडर को। तो इसको ढूंढने के लिए हमने सबसे पहले अपनी साइट पर आना है। साइट पे लिखना है पीएफएमएस। पीएफएमएस लिखने के बाद वहां पर विद्यालय की आईडी, विद्यालय की आईडी जैसे अभी हम सबमिट कर रहे हैं जजराली का बिल। रुको, जरा सबर करो। तो जो उनके ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर की साइड में हम जाएंगे। ऑपरेटर की साइड में जाने के पश्चात हमने ये लॉगिन आईडी से ही अपना बिल खोल लिया। इस बिल को खोलने के पश्चात हमने सबसे पहले क्रिएट करना है वेंडर। वेंडर क्रिएट करने के बाद हमारे पास कुछ डिटेल होनी चाहिए। सॉरी, मास्टर वेंडर, जैसे वेंडर हम इनका जो वेंडर है वो अनिल ट्रेडर के नाम में है। अनिल ट्रेडर्स, और इसको जब हम इसमें आएंगे, वेंडर क्रिएट करने में आएंगे और न्यू वेंडर को फीड करेंगे, करना ये है, मास्टर में आना है, मास्टर में वेंडर में जाना है, वेंडर से एड न्यू में जाना है। एड न्यू के बाद ये पन्ना खुल जाएगा। इसमें हमने इनकी जो चीजें हैं उनको फिल कर देनी है, और फिल करने के पश्चात हमने क्या करना है, मैं इनकी डिटेल खोल लूं। ये ऑनलाइन बता रहा हूं तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हमने आना है, इनका जो एड्रेस होगा हमने मान लिया जिला के हैं सभागार, पिथौरागढ़ सिटी है, पिथौरागढ़ सिटी है। मोबाइल नंबर हमने इनका ही देख देना है। मोबाइल नंबर है इनका 999 1 2 3 7 8 0 7 8 0 1 3 5 6 1 3 5 6। ये डाल देना है, बैंक ऑफ सेलेक्ट करना है, यहाँ हमने लेना है बैंक ऑफ इंडिया, तो हमने लिखना है BANK OF INDIA, बैंक ऑफ इंडिया। सर्च मारना है, हेलो। हाँ सुन
नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। जी हाँ हाँ एक मिनट, इससे नहीं बोलते नहीं। क्या रहा है? काइस काइस से बन, किस आईडी से बना रहे हैं बिल? ऑपरेटर की आईडी से बनेगा बिल, मेन आईडी से नहीं सर, एमडीएम वाली आईडी से नहीं बनेगा। ऑपरेटर क्रिएट किया आपने? हाँ उनकी आईडी से बनेगा बिल, बिल्कुल। तो ऐसे भी फुल मिल पाते हैं क्वेरीज के लिए। तो खैर हम बैंक ऑफ इंडिया हमने सेलेक्ट किया। बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हमने इनका अकाउंट नंबर डाल देना है। और ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, जब हम इसको सेव करते हैं शुरू में ही, जब मैंने इसको सेव किया शुरू में ही, इसने हमें कुछ कुछ चीज़ें रेड दी थी। यहाँ जब हम सेव करेंगे तो पहले ही हम पन्ना खुलते ही इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के पश्चात जो हमारी रेड रेड मार्क बन के आएंगी उनको ही फ्लिप करना है हमने। अब जैसे हमारा अकाउंट नंबर बन गया है, अकाउंट नंबर हमने इनका डाल देना है। इनका अकाउंट नंबर है, इनका अकाउंट नंबर है 6895305301123415। अब जब हम इसको सेव करते हैं तो ये क्या देता है, देखिए प्लीज एटलीस्ट अच्छा। हाँ तो हमने इसको ऐड बैंक डिटेल में जाना है, ये हमने ऐड बैंक डिटेल कर दिया। इसको हमने, अब ये जब हमारे पास नीचे से आ गया ये बैंक ऑफ इंडिया, हमने ये अकाउंट नंबर देख लिया, इसको हम सेव करते हैं तो ये क्या हमारे पास देता है, जब हम इसको सेव करेंगे तो ये हमें कुछ मैसेज देगा आफ्टर दैट सर। ये देखिए, अब इस दिस मोबाइल नंबर नो ऑलरेडी एग्जिट, इस समय कोई मतलब नहीं। मोबाइल नंबर हो सकता गलत दिया हो वेंडर से, उसका दूसरा अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन वी ये आईडी जो जनरेट की है इसने, VAUKPI0003793 इस आईडी को हमने सर्च कर लेना है या सॉरी कॉपी कर लेना है अपने पास। अब मैनेज में आना है हमने, वेंडर से मास्टर, मास्टर से वेंडर, वेंडर से मैनेज। ये यूनिक आईडी हमने यहां भर देनी है। अब इसको हमने सर्च करना है ये। अब मेरे इसमें ये अनिल ट्रेडर्स ये आ गया है, कॉमर्शियल अकाउंट है ये, इनके इंडिया नहीं एक्टिव है, स्टेटस देख लेना एक्टिव है। अब मैंने तो इसको, मेरे उसमें अनमैप लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने इसको मैप कर रखा है, आपके उसमें लिखा होगा मैप, तो आपने यहां टिक करना है, इन जगह इनको टिक करना है और इसको यहां पर मैप में टिक कर देना है। तो ये प्रोसीजर है वेंडर को सिलेक्ट करने का। अब वेंडर को सिलेक्ट कर लिया हमने, अब हम जाते हैं एक्सपेंडिचर में। अब हमारा क्योंकि वेंडर सिलेक्ट है, हमने एड न्यू किए, हमने बिल बनाने की प्रोसेस में आए, बिल में हमने 207 डाल दिया, ठीक हो गया। प्रोजेक्ट यही हुआ, एक्सपेंडिचर फॉर डन, वेंडर्स हो गया, वेंडर्स का नाम हमने सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्ट वेंडर में जाएंगे, अनिल ट्रेडर आ गया। अब बिल ब्राउज, ब्राउज में अब आपने बिल ढूंढना है। अब हमारा जो बिल है वो हमने ढूंढना है, हम यहाँ गए, हमने यहाँ पर लिख रखा है जजराली का बिल, जजराली जजराली, हमने कहाँ पर लिख रखा है जजराली बिल, ये हमने सेलेक्ट कर दिया, ओपन कर दिया, बिल के अंदर चले गए, सिलेक्शन डेट आ गई, आज बिल बना रहे हैं तो आज ही की डेट आ गई, टोटल अमाउंट 13,800 शो भी कर रहा है, नरेशन हमने लिख दिया, लेटर ऑफ ऑफिस नंबर सॉरी ये भूल गए थे, इसमें लिख देना है हमने यूनी यूनी
फॉर्म यूनिफॉर्म बिल AYMENT ये लिख दिया। फिर नीचे आना है, बार को नीचे करना है, नरेशन में जाना है, यहां पर भी लिख देना हमने यूनिफॉर्म बिल पेमेंट। अब इसको हमने देखना है हमारा बिल कहाँ है। सॉरी तो हमने इसको देखना, यूनिफॉर्म बिल पेमेंट हमारा था यही था ना। तो हमें अब हमने जो स्कैन करा था वो बिल हमने ये दलाली बिल हमने लिख लिया, ये हमने ले लिया था, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंट था हमारा, कितने स्टूडेंट का था ये, 13 स्टूडेंट का था, तो आई थिंक नहीं 23 स्टूडेंट का था। तो हमने इसको कैलकुलेट करके भी देख लेना है, ये होगा तुम्हारा कैलकुलेट करके हमारा ये आ रहा है कितना। तेईस गुणा 613,800 ठीक हो गया, ये हो गया। तो हमारा ये 23 स्टूडेंट ये हो गया। सिलेक्ट स्कीम में कर दिया, वेंडर नहीं कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमने फिर स्मॉल में कैपिटल में लिखना है यूके 207, सर्च में डाल देना है पूरे बिल को, सर्च में डालना है, धीरे को नीचे करते जाना है, पढ़ते जाना है। तो हमें तो अंदाजा, आपको भी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा सर्च करने के बाद ये फ्री यूनिफॉर्म, इस फ्री यूनिफॉर्म को हमने ले लेना है, ठीक है। अब इतना हो गया, इसके बाद हमने क्या करना है, एक्सपेंस टाइप कैपिटल परसेंटेज 100 क्लिक करेंगे, 13,800 आ गया। इसको हमने ऐड कर लेना है, ऐड करेंगे नीचे आ चुका होगा, देखिए ये बिल बन के नीचे आ गया। इसको हमने पढ़ना है, टिक करना है बिलों को, फिर हमने सेव कर लेना है, फिर नीचे जाना है, लेटर नंबर तो लेटर नंबर ये कह रहा है मेरे पास पहले से है स्टेप पर। तो हमने हम बिल यूनिफॉर्म बिल लिख के सेव करने की कोशिश करते हैं, क्या ये सेव होता है, ये भी है कह रहा। तो हमने इसका बिल का बिल बिल यूनिफॉर्म बिल पे पेमेंट फिर सेव करते हैं। अभी भी ये है ही कह रहा, नवंबर फिर से करने की कोशिश ये। अब इसने हमारे ट्रांजेक्शन को ओके किया, ओके करने के बाद ये हमारा वाउचर नंबर है, इस वाउचर नंबर को हमने ले लेना है अपने पास एक स्क्रीन बनाकर। तो हमने ये वाउचर नंबर भी हम लोग ऐसे करके इसको हमने सेव कर लिया, इसमें लिख दिया सेव चूरली VAUCHER वाउचर, जुराली वाउचर हमने सेव कर दिया इसको। अब ओके कर दिया हमने, तो जब हमने इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया, तो ये एक्सपेंडिचर डिटेल सेव सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पी डिटेल्स, तो हमने यस करना है।
यस करने के पश्चात हम दूसरा पन्ना खुलेगा। इसमें हमने यहाँ पर तभी ई पेमेंट साइन प्रिंट एडवाइस आ रहा है, तभी जब आपने पहली वाली विंडो से इसको ओके किया है, सिलेक्ट किया है, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये हमारे पासबुक में छपना है, तो हमने इसमें लिखना है यूनी, क्योंकि हमको अंदाज भी आए तो हमने लिखना है इसमें यूनिफॉर्म बिल नंबर 2022। ठीक हो गया, कंफर्म। कंफर्म कर लेना है, ये हमारा कंफर्म होके आ गया बिल। इस बिल को हमने देख लेना है कि हमारा कंफर्म उसी जगह पे हुआ है जहां हम चाह रहे थे। हमने ये देख लिया, नाम अनिल ट्रेडर्स पे ही हुआ है। सबमिट फॉर अप्रूवल। नेट स्लो है, तो ये सबमिट हो गया हमारा बिल। अब हमने इसको सबमिट करने के पश्चात हमने इसको यहाँ से लॉग आउट कर देनी है। कौन सी आईडी से हमने सबमिट किया? ऑपरेटर वाली आईडी से सबमिट किया। लॉग आउट कर दो। रुको जरा, सबर करो। जब इतना करने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे, ये हम अप्रूवल की आईडी में आ गए। ऊपर से पढ़ लीजिए, डीए की आईडी है ये। इस आईडी में आने के पश्चात हमने क्या करना है, एक्सपेंडिचर में आना है, अप्रूव में जाना है। अप्रूव में आने के बाद यहाँ पर स्कीम सिलेक्ट करनी है 207, कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सबमिट है, इसको सबमिट में रख देना है क्योंकि हमारे पास सबमिट वाले सिस्टम आएगा। ये हमने बिल आ गया, यूनिफॉर्म बिल पेमेंट नवम्बर, तो ये आ गया। इसको हमने यूनिफॉर्म बिल पेमेंट में गए, सिलेक्ट किया बिल को, अब इस बिल में हमने यहाँ पर सबमिट करने के बाद ये बिल खुल लेगा। पूरी डिटेल हम लोग अच्छी से पढ़ लेंगे। अच्छी से पढ़ने के बाद हमने अप्रूव रिजेक्ट जिसमें लिखा है इसको दबाएंगे। और इस समय जब ये सब कुछ लिख के आ जाए तो उससे पहले भी हम लोग बिल मिला सकते हैं। हमने अनिल जो ट्रेडर्स में हमने कंफर्मेशन की है, हमारे बिल का अकाउंट नंबर जो है इसको जरूर मिला लें। जैसे ये अभी भी शो हो रहा है, अभी अप्रूव करने से पहले इसको जरूर मिला लें, 6895301150025। अब हम यहाँ पर तब हम लिखेंगे अप्रूव और इसको फिर हम अप्रूव कर देंगे ओके। ये प्रोसेसिंग चली गई हमारा बिल। थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि साइट में कंजेक्शन बहुत है। प्रिंट पेमेंट एडवाइस मिली है तारीख हमको, ये तारीख जरूर देख लेंगे, 4/12/2022 हमें मिली है। इस तारीख को हमने देख लिया कि हमने 4 December 2022 से पहले इसको डालना है, बैंक में पहुंचाना है। अब हमने इसके प्रिंट के लिए
पेमेंट एडवाइस के लिए हमने इसको देख लेना है, इसको हमने इसमें चले जाएंगे। ओके ये हमारा बिल क्लियर आ गया, हम इसको चाहें तो हमने सेव कर दिया और जिसको प्रिंट निकालना है वो प्रिंट निकाल देगा एन प्रति में। तो ये बिल था हमारा चेंज टू राली बिल, सब इसको सेव कर लिया, इसको सेव कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया, हमने साइडें बंद कर दी अपनी और सेव हमने 4 बजे से पहले करना है, टाइम देख लीजिए अभी 3 बज रहा है तो इसलिए मैं बिल सेव कर रहा हूँ। ठीक है धन्यवाद, यहाँ पर हमारा बिल ये समाप्त हो जाता है। एक बार मैं इसको खोल के एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको बिल किस तरीके से आ रहा है ये। हाँ तो ये बिल आ गया है, इस बिल को हम इस तरीके से खोल लेंगे पूरे बिल को, तो यहाँ पर हमारे 2 सिग्नेचर साइन बाय ऑथराइज सिग्नेचर ही है, यहाँ पर हमारा एक हेड साइन करेगा, एक एसएमसी अध्यक्ष साइन करेगा। इन बिलों को साइन करने के पश्चात दो बिल दो प्रति में हम इसको निकाल लेंगे, जब हम बैंक में देंगे तो एक प्रति वो हमको वापस दे देगा रिसीव करके, जब वो बिल हमारे पास रिसीव करके वापस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे उस रिसीव बिल को की फोटो स्टेट कर लेंगे, एक प्रति हम दुकानदार को उसको सबमिट कर देंगे, वो ही हमारा चेक है और इसकी एक प्रति ओरिजिनल प्रति हम अपनी फाइल में सेव कर लेंगे। धन्यवाद, तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप समझ पाए होंगे और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे भी इसमें आने वाले अपडेशन मैं आपको बता सकूँ। धन्यवाद।